भारत में ही बनी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर कई देशों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। तेजस हल्के वजन में बहुत कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि वह 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। यह एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल दागने में सक्षम है। भारत की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देशों में होती थी, लेकिन अब भारत की कोशिश दुनिया की हथियार निर्यातक देशों में शामिल होने की है। हथियारों के निर्यातक के तौर पर उभरने की भारत की कोशिश। भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस को लेकर कई देशों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल कोई डील होना दूर की बात है। यूरेशिया टाइम्स की सभी एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य हथियार निर्यातक बनाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत को अभी कम से कम एक दशक या शायद उससे ज़्यादा इंतजार करना होगा, क्योंकि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी IAF को इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने और इसके MK2 एडिशनल को विकसित करने में व्यस्त हैं। नाइजीरिया ने LCA तेजस में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है, जो कि भारत के साथ $1 अरब की समझौते का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए नाइजीरिया अपने सैन्य औद्योगिक विकास को मजबूत करना चाहता है। इस साल जुलाई में जब अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज टायाना भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, तब अर्जेंटीना अपनी वायुसेना के लिए तेजस विमान खरीदने के लिए भारत के साथ एक सौदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान कई भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्मों ने LCA खरीदने में अर्जेंटीना की रुचि की खबर भी चलाई थी। नाइजीरिया और अर्जेंटीना विश्व स्तर पर उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने तेजस कार्यक्रम में रुचि दिखाई है, लेकिन अभी तक मेक इन इंडिया लड़ाकू जेट खरीदने के लिए कोई और कदम आगे नहीं बढ़ाया है। कई अन्य देश, खासतौर पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भी भारतीय लड़ाकू विमान में रुचि रखते हैं। अगस्त 2022 में भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद को सूचना दी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस उन 6 देशों में से जिन्होंने भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी जाहिर की है।